वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने वाले हैं। वैसे चीनी और मैदे सूजी का केक तो आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन आज हम गुड़ से केक बनाएंगे। ये फ्रेंड्स, मैंने गुड़ पहले ही दूध में मेल्ट कर लिया। आधे घंटे पहले मैंने इसे भिंगो के गुड़ दूध में छोड़ दिया था। दूध अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और इसको मैंने छन्नी से छान लिया है, ये देखिए, ताकि गुड़ की गंदगी और दूध से जो भी मलाई हो वो निकल जाए, इसमें लम्स ना पड़े। ये अच्छे से देखिए, गुड़ हमारा मिक्स हो चुका है। ये आपको जितना मीठा खाना उसी के अकॉर्डिंग आप गुड़ ले सकते हैं। ये रहा हमारा आटा, 1 बाउल आटा है, 1 बाउल गुड़ और मिल्क का मिक्सचर है, ये रिफाइंड ऑयल, देसी घी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। आइए फटाफट इसको मिक्स कर लेते हैं। एक बाउल में आटे को लेकर के गुड़ और दूध वाले मिक्सचर को मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी वैसी ही होनी चाहिए जैसे अदर केक हम बनाते हैं, तो वो ना एकदम पतला होता है ना ही एकदम गाढ़ा। इसको फटाफट से ऐसे मिक्स कर लेंगे। इसमें और गुड़ वाला मिक्सचर पड़ेगा। और एक चीज, इसको रफली ऐसे फटाफट मिक्स कर लें और उसके बाद हम इसको मिक्सचर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, जिससे इसके सारे लम्स खत्म हो जाएंगे और हमें ज्यादा फेंटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, रिफाइंड ऑयल 1/2 बाउल लिया है, इसको थोड़ा सा डालेंगे। 1/2 बाउल में थोड़ा सा इसको मैंने रख लिया है। देसी घी, टू टेबल स्पून, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऐसे मिक्स करने में रिफाइंड और घी काफी प्रॉब्लम होती है। ये मैंने छोटी इलायची को क्रश करके रखा हुआ है, 3 छोटी इलायची है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है गुड़ के साथ। और फ्रेंड्स, मैंने पहले ही यहाँ पे ये देखिए कुकर में नमक को हीट करने के लिए, प्री हीट के लिए चढ़ा दिया है। आप जब तक ये मिक्स करेंगे तब तक आप कुकर में नमक डाल के इसको हीट होने के लिए चढ़ा दें और इसको कुकर को कवर कर दें। ये सब चीजें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम मिक्सर बाउल लेंगे और इसमें ये सारा मिक्सचर डाल करके ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने के बाद मैंने पहले ही छोटे से भगोने को ग्रीस कर लिया है देसी घी से। आप उसे देसी घी, रिफाइंड कुछ भी ले सकते हैं। और इस मिक्सचर में अगर आप चाहें तो थोड़ा सूजी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है क्योंकि मैंने सिर्फ आटे और गुड़ का मुझे केक बनाना था, तो मैं वो बना रही हूँ। और ये स्पेशली जो शुगर पेशेंट्स हैं वो इजिली खा सकते हैं क्योंकि चीनी उन्हें अवॉइड करना होता फुल, तो आप ये इस तरह से ले सकते हैं। और मैंने इसे मिक्सर बाउल में डाल दिया। आप इस स्पून से भी ये मिक्सर हटा लीजिए और अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्रीस कर लिया था रिफाइंड देसी घी से, सॉरी। अब इसमें मैं ये मिक्सचर डाल दूंगी। जो भी आप बर्तन ले उसको हाफ ही फिल करें ताकि हाफ पोर्शन जो है उसका जब ये फूले तो उसको स्पेस मिले फूलने के लिए। रिफाइंड ऑयल में देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसलिए यूज किया ना, अगर आप चाहें तो देसी घी में भी सिर्फ बना सकते हैं, बहुत हेल्दी होगा बच्चों के लिए। लेकिन रिफाइंड यूज करने से ये हार्ड नहीं होता, फ्रिज में भी रखने के बाद ये काफी सॉफ्ट बना रहता है, काफी स्पॉन्जी बना रहता है, तो आप इसमें वो यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से इससे आप हाथ से ही निकाल लें, निकाल के फटाफट से हमें, कुकर हमारा प्री हीट हो चुका है। इसको ऐसे अच्छे से ताकि इसकी जो एयर है वो निकल जाए। ये पूरा सेट हो चुका है। इसमें अब हम थोड़ा सा, अगर आपके पास चॉकलेट पाउडर ना हो तो देखिए, बच्चे होंगे घर में, बॉर्नविटा होगा,
आप बॉर्नविटा यूज कर सकते हैं, बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगता है और चॉकलेट फ्लेवर आता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में बच्चा है उसे ये काफी पसंद है, तो मैं ये थोड़ा सा यूज करूंगी इसमें। ये ऐसे रफली आप ऊपर फैला के स्प्रेड कर दीजिए अच्छे से, और उसके बाद अब हम इसे कुकर में रखेंगे। कुकर में रखते टाइम हम अच्छे से ध्यान देंगे कि ये ढंग से पकड़ के रखना है, क्योंकि कुकर काफी गर्म हो चुका है। सॉरी, इसमें पहले हम स्टैंड डाल देते हैं। ये स्टैंड है, इसको हम इसमें सेट कर देते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है स्टैंड को। उसके बाद अब हम इस मिक्सर को इस पे रख देंगे प्लगर की हेल्प से। ये उठाया और ये इसमें हमने रख दिया, और ये देखिए हमारा अच्छे से इसमें एडजस्ट हो गया है बर्तन। इसको पकने में कम से कम 50 मिनट्स आराम से लगेंगे, तो 40 मिनट्स के पहले प्लीज आप कुकर ओपन मत करिएगा। मैंने इस कुकर के ढक्कन की विजिल निकाल दी, अब इसको हम पैक कर देंगे। फ्रेंड्स, 50 मिनट हो चुके हैं, आइए अब हम इस केक को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इस केक को चेक करने का तरीका, ये नाइफ हम ये ऐसे इन करेंगे, और ये देखिए बिल्कुल फ्रेश नाइफ निकली है। ये केक पूरी तरह से पक चुका है, अब इसे हम कुकर से निकाल लेंगे। कुकर से निकालते टाइम अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, प्लकर की हेल्प से या किसी कपड़े की हेल्प से ही निकालिएगा, ताकि आपके हाथ ना जलें। ये ऐसे निकाल के मैंने यहाँ सेल्फ पे रख लिया। फ्रेंड्स, आप इसको जैसे खुद चाहें वैसे क्रिएटिव, अपना क्रिएटिविटी दिखा करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। चारों तरफ से मैं इसे नाइफ की हेल्प से अलग कर दूंगी, ताकि ये इजीली आराम से ट्रे में निकल सके। ये देखिए, हमारा केक बनके तैयार है। ये बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसको फटाफट से डेकोरेट कर देते हैं। ये मैंने स्पेशली अपने बेटे के लिए बनाया है, तो उसे कलर्ड बहुत ही अच्छे लगते हैं कलर्ड केक्स, तो मैं जेम्स से उसे डेकोरेट करूँगी। आप ड्राई फ्रूट्स कुछ भी इसे डेकोरेट करने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आराम से इसे फटाफट ऐसे डेकोरेट कर दीजिए, ताकि बच्चों को देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगे और बच्चे इसे आराम से खुशी खुशी खाएं। और शुगर का यूज़ मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि शुगर हार्मफुल होता है। आप गुड़ में ही खीर भी बना सकते हैं, गुड़ की बिस्किट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं गुड़ की बिस्किट के लिए रेडी करूँगी आप लोगों के लिए, ताकि घर में बैठ के आप गुड़ की बिस्किट आराम से बना सकें और बच्चों को खिला सकें। फ्रेंड्स, देखिए मैंने फटाफट कैंडीज यहाँ पे लगा दी। देखिए हमारा केक कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल हो गया। अब देखिए मैं इसे कट करती हूँ, साइड से कट करके देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये केक हमारा। ये देखिए नाइफ कितना ईजली चल रहा है। ये देखिए ये कितना स्पॉन्जी, आप इसे देख के ऐसे समझ सकते हैं। और टेस्ट भी मैं आपको चेक करके बता दूंगी। ये बहुत ही अभी गर्म है, ये मैंने आपको उसका टेक्सचर दिखा दिया। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और सेम प्रोसेस से केक बनाएं। और अगर मे बी आपका गुड़ वाला जो मिक्सचर था अगर बच जाता है, देखिए मेरा थोड़ा सा बचा था, तो मैं इसमें थोड़ी सी खीर बना दूंगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नई नई वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, गुड़ वाला केक ज़रूर बनाएं और अब खुद खाएं, फैमिली में खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। बाय बाय।